और अब है मैच का आखिरी ओवर। बैटिंग पर है गब्बर और छोटा डॉन। इंडिया को चाहिए 6 बॉल पे 12 रन और लास्ट ओवर डालने आ रहे हैं न्यूजीलैंड के सबसे जहरीले और खतरनाक बॉलर जिनका नाम है टिम। इनका रिकॉर्ड अब तक बहुत खराब रहा है। अब तक 3 बैट्समैन को जांडिया फाड़ कर उनको व्हील चेयर पर पहुंचा चुके हैं और अब देखना होगा कि ये इंडिया के धुरंधर कैसे बचाएंगे अपनी फटने से। और ये क्या पिच पर टिम और गब्बर के बीच एक पैसी होती हुई। बदले बदले से तेरे हालात नजर आते हैं, जिधर देखूं उधर मुझे तेरे जैसे सांप नजर आते हैं। आज बच के रहियो मुन्ना, वरना मेरी बॉल लगने के बाद अच्छे अच्छे को दिन में तारे नजर आते हैं। तू मुझको तारे दिखाएगा, अबे शमशान के बुझे हुए कोयले। तूने मुझे अपने पड़ोसी का बच्चा समझा है जो छत पर बैठ के तारे दिखाएगा। अबे मरे हुए कौवे के पंख, ऐसा बल्ला घुमाकर मारूंगा कि जिंदगी भर हाथ लगाकर देखेगा। क्या देखेगा? हाथ लगाकर। शाबाश शाबाश, चल अब बॉल डाल चौपड़ी के। टिमटिमाए तो थे करारे नोट की तरह, पर गब्बर ने उनको चिन्ह बना दिया और टिम यहाँ बॉल डालने को तैयार। आखिरी ओवर की पहली गेंद, जीतने के लिए चाहिए 12 रन और पहली गेंद डालने आ रहे हैं टिम कुत्ते की तरह भागते हुए। टिम ने टिमटिमाते हुए बॉल डाली, बॉल लगी है गब्बर के मुंह पर और गब्बर सीधा विकेट के ऊपर और यह टिम अजीबोगरीब डांस करते हुए। भाई टेंशन नहीं लेने का, वो क्या है ना, आज पहली बार कोई गब्बर पर भारी पड़ेला है, अपुन इसे अगले मैच में देखेगा। और अब गब्बर के बाद आ रहे हैं रामपुर गांव से ठाकुर और देखना होगा कि आज ये क्या गब्बर का बदला ले पाएंगे या नहीं। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे शर्मा जी, ये बस आईपीएल मैच में अच्छा खेलते हैं, बाकी मैच में तो इनकी टट्टी निकल जाती है। गुप्ता जी आपको इतना पता है प्लेयर्स के बारे में, तो आप अपनी खुद की टीम क्यों नहीं चुन लेते। हाँ बड़े आए शर्मा जी, अपने सारे छेद खोल के देखो, वही कर रहा हूँ। मतलब टीम बना रहा हूँ और क्या। टीम बना रहे हो? कहाँ बना रहे हो टीम? गेमजी ऐप पर। कहाँ? गेमजी ऐप पर। और आपको प्लेयर परफॉर्मेंस को देखने के लिए गूगल नहीं करना, इधर ही मिल जाएगा। पर गेमजी ऐप है क्या? अबे तुझे गेमजी नहीं पता? नहीं। एक काम कर तू ये देख, गेमजी ऐप में आप अपनी खुद की क्रिकेट टीम बना के काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं और वो भी क्रिकेट देखते देखते। गेमजी ऐप आपको देता है प्री मैच एनालिसिस और प्लेयर परफॉर्मेंस हिस्ट्री जो हेल्प करती है आपको जीतने के लिए। तो अपनी फेवरेट लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए और बनाइए अपनी फेवरेट प्लेयर्स की टीम। ज्वाइन कीजिए मेगा कॉन्टेस्ट और जीतिए लाखों रुपए। तो क्रिकेट देखते देखते पैसा कमाने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए गेमजी ऐप। ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुप्ता जी ये सही है, अभी बनाता हूँ टीम। तो अब देखते हैं कि न्यू बैट्समैन ठाकुर क्या कमाल कर पाते हैं। टिम और केन में थोड़ी बहुत बकचोदी होती हुई, और ये करेंगे भी क्या, सारी उम्र इन्होंने यही तो किता है। एनू बर्गर खिला लो, पिज्जा खिला लो, नहीं ये कोई मजाक चल रहा है। शर्मा जी शांत शांत, तुसी भी कितने खून जला रहे हो, ऐ बड़े कंजर लोग हैं, एनू कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुसी मैच देखो, मेरी बोतल तो पैक मारो और मस्त हो जाओ। रे भाई टिम, तेरा नाम ना बड़ा सुथरा है, काम भी तुमने बड़े सुथरे वाले करने हैं। मन्ने इस ठाकुर ने आज चाहिए, इसने तो यॉर्कर मार और उकार साढ़े न किला। हाँ मैंने मारनी है बाउंसर, क्योंकि मुझे बस वही आती है, बाकी आप देखो इसमें ही एडजस्ट करो। ओह नो। हैं? ओ मारे फुफा, मन्ने ना बिराए, आज ये आउट ना हुआ ना तो साढ़े कुत्ते की तरह भगाता हुआ ले जाऊंगा यहाँ से न्यूजीलैंड तक। और अब है लास्ट ओवर की दूसरी बॉल, जीतने के लिए चाहिए 12 रन। बल्लेबाजी पर है ठाकुर और गेंद डालने आ रहे हैं टिम। टिम ने बॉल डाली, ठाकुर ने आगे बढ़कर बल्ला घुमाया और ये लगा 6 रन। शर्मा जी अब तक भारत रिस्क पे चल रहा है और अब भारत को जीतने के लिए चाहिए 4 बॉल में 6 रन। क्या लगता है आपको, क्या आज ठाकुर कोई कमाल कर पाएंगे? गुप्ता जी टेंशन मत लो, पंत अभी भी मैदान में है, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और अब है मैच की तीसरी गेंद, भारत को अभी भी चाहिए 9 रन। टिम तेजी से गेंदबाजी के लिए आते हुए और यहाँ पंत को पता नहीं कौन सी खारिश चालू हो गई है, उनको देखकर ठाकुर का ध्यान भागता हुआ। टिम्पिंग गेंद फेंकी और यह है LPW की अपील।
ए टमाटर के आखिरी दाने, बॉल लगी है पेट पे और तू दे रही है आउट। अब दूध के फटीले हिस्से, आज ऐसा दूंगा कि वॉशिंग पाउडर निर्मा भी इतना नहीं धो पाएगा। पंत की वजह से ठाकुर अभी अभी आउट होते होते बचे और एक डॉट बॉल। ठाकुर काफी गुस्से में लग रहे हैं। ओ झोपड़ी के, अब मेरे नाम की सुपारी खाकर आए क्या? ओह नो, अपने अंदर की खुजली को शांत कर ले वरना खुद आकर ही आनंद बना ले। सॉरी भाई सॉरी, इस बॉलर को आप ही खेल लो, मैं यहीं सही हूँ। अब तो मैं सांस भी आपसे ही पूछ के लूंगा। और अब है मैच की चौथी गेंद, भारत को जीतने के लिए चाहिए 6 रन। टिम टिम ने गेंद फेंकी, ठाकुर ने बल्ला घुमाया और यहाँ आएगा एक सिंगल। भाई ये क्या कर दिया आपने, इस बॉलर का ट्रैक बहुत खराब है, इसने मेरे कच्चे पार देने हैं। छोटे तू मारेगा और इसी बॉल पे मारेगा, हम कह रहे हैं तू मारेगा। ये क्या मारेगा कर रहे हो, यहाँ अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये बॉलर ने मेरा मुंह फोड़ देना है, हे भगवान आज बचा लो बस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पंत की हवा ढीली और पैंट गीली होती हुई दिखाई दे रही है, भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई और अब बची है सिर्फ 2 बॉल और भारत को जीतने के लिए चाहिए 5 रन। अब देखना होगा कि कैसे करेंगे पंत टिम टिम की बॉल का सामना। टिम टिम ने 3.5 लाख किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डाली और बॉल जाती है पंत के कान के पास से। अब शायद ही पंत कुछ और सुन पाएंगे अपने आने वाली जिंदगी में। और ये बॉल मिस हो गई है, अब भारत को चाहिए 5 रन लास्ट बॉल पर। भाई मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। oh, no. आप बोलोगे तो मैं कोच साहब के लिए दारू ले आया करूंगा, आप बोलोगे तो पानी ठंडा भी कर लूंगा, आप बोलोगे तो पैक भी बना दूंगा, पर भाई आज नहीं हो पाएगा यार। एक बॉल, सिर्फ एक बॉल है तेरे पास, इस बॉल पे कैसे खेलना है ये तुझे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कुछ घंटा नहीं पता। बस इतना कहूंगा कि इस बॉल को टच करके भाग ले, क्योंकि इस बॉल के बाद अगर हम हारे तो फिर तुझे आज कुत्ते की तरह पीटने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तो अब जा और जाके बचा ले अपने आप को कुटाई से, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्यों आज मुझे माही भाई की बहुत याद आ रही है। शर्मा जी एक बॉल पे 5 रन और बल्लेबाजी पर है ऋषभ पंत, क्या लगता है आपको? ओ मेरे लगने से क्या होता है। और शर्मा जी आपका गेम जी में टीम कैसा खेल रहा है? ओ छोड़ो यार गुप्ता जी, कोहली और रोहित को ले लेता तो भाई और पैसे भी जीत सकता था। ओ कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकंड इनिंग फीचर के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने। अब आप सेकंड इनिंग ज्वाइन करके नई टीम बना सकते हो जिससे आपके जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी, यानी एक बॉल पे 2 छक्के? जी हाँ, मैच देखो और नई टीम बनाओ सेकंड इनिंग्स में। सही है, तो अब है मैच की लास्ट बॉल, इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 1 बॉल पर 5 रन और बल्लेबाजी पर है पंत जिनकी खुद फटकी हो गई है 4। क्या पंत कर पाएंगे कोई चमत्कार? टिम टिम ने अपने औकात से बाहर की स्पीड से बॉल डाली, पंत ने जैसे तैसे करके बल्ला टच किया और रन लेने के लिए भागते हुए। तब तक 2 रन भाग के लेग चुके हैं और फील्डर बॉल फेंकने की जगह आपस में बात करते हुए, मेरे को दे बॉल मैं मारूंगा। अच्छा तो तू यहाँ से डायरेक्ट हिट मारेगा विकेट में? हाँ तो लगी फिर 100-100 की, आज तू यहीं से डायरेक्ट मार के दिखा। तू बॉल फेंक और टेलर की बात मत सुन, बॉल फेंक जल्दी। लग गई फिर 100-100 की और अब तू देख ये बॉल कैसे लगती है सीधा विकेट में। और यहाँ दोनों 3रा रन भागते हुए, अच्छी खासी बकचोदी के बाद मोटी ने बॉल फेंकी और ये क्या बॉल विकेट पर नहीं गई और फेंक दी है और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और ये 4 रन। यहाँ इंडिया ने मैच जीत लिया है और पंत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं।